ऐसा भी होता है। कुदरत का चमत्कार या कोई देवी कृपा, कोई हकीकत या कोई फसाना। कुदरत का चमत्कार मात्र 17 महीने की बछड़ी देती है 2.5 लीटर तक दूध। कानों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी है। हमने खुद पड़ताल करने के लिए कुलदीप के घर पहुंचे और वहीं पर बच्ची को देख करके यकीन नहीं हुआ कि यह दूध दे सकती है। मात्र 17 महीने की बछड़ी ने दूध देना शुरू किया और डॉक्टरों का कहना है कि वह बच्ची 5 से 7 किलोग्राम दूध भी दे सकती है। हमारे लिए यह एक चमत्कार से कम नहीं था, यकीन करना मुश्किल था। पर तभी हमारी नज़र दूध देने वाले थनों पर पड़ी तो हमारा शक यकीन में बदल गया और हमने बच्ची के मालिक से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने एक और हैरानी करने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप लोग इसकी खुराक और अच्छी देखभाल करेंगे तो यह बच्ची लगभग 5 से 6 किलो तक दूध दे सकती है। लेकिन यहाँ बात चमत्कार की है और चमत्कार ये है कि इस बच्ची ने कोई बच्चा नहीं दिया है और ना ही है ब्याई है, लेकिन फिर भी ये दूध देने शुरू कर दिया है। डॉक्टर जहाँ हैरान है वहीं लोग इसे चमत्कार की श्रेणी में देख रहे हैं। कोई कहता है बाबा जी की कृपा है तो कोई कहता है दैवीय चमत्कार। ये हकीकत है या फसाना, इसकी पड़ताल करना आवश्यक था। इसलिए हमने पशु चिकित्सक एवं निदेशक डॉक्टर भूषण से बात करनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा यह भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले करते हैं ग्रामीणों से चर्चा। और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गांव बकरियावली के अंदर कुलदीप सिंह गोदारा जी के घर पे। आपने कभी चमत्कार का नाम सुना होगा, लेकिन आज हम चमत्कार से रूबरू करवाने जा रहे हैं। कुलदीप जी एक प्रगति किसान होने के साथ साथ में एक पशुपालक भी है। आज हम इनसे बात करते हैं कि इस गाय का इनको कैसे पता लगा कि ये दूध दे रही है। कुलदीप जी आप बताएंगे इस गाय का जब दूध देने लगी तब आपको पता कैसे लगा इसका? अपने आप दूध इसका गिरने लग गया। हाँ, जमीन पर गिरने लग गया अपने आप। तो आपने कैसे डॉक्टर से राय? नहीं, डॉक्टर से भी राय ली। डॉक्टर ने कहा भी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर इसका दूध निकालो आप। तो डॉक्टर ने अभी और क्या बताया आपको? प्लीज कि आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि बढ़ोतरी हो सकती है। हाँ, दूध में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी इसमें। ठीक है। और इसका जो चारा वगैरह है, खाना वगैरह है, उसको बदलने की ज़रूरत है। बढ़िया खाना दो इसको, दलिया वगैरह दो। क्या मानते हैं आप कि ये चमत्कार है या वैज्ञानिक दृष्टि से आप इसको समझते हैं कुछ? नहीं, हो सकता है वैज्ञानिक दृष्टि से भी हो, लेकिन ऐसा कभी सुना तो है ना ही कभी देखा। हाँ, सुना नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं उस पर रिसर्च करते हैं, लोग समझते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। तो कोई बातें सामने आई आपके? क्या लगता है लोगों को, क्या लगता है उन्होंने क्या राय दी आपको? नहीं, लोगों ने तो चमत्कार ही बताया अभी, ये तो चमत्कार ही है, कभी हमने तो सुना नहीं। आज हमारे साथ पुण्य सरते हैं गांव के वरिष्ठ नेता और पूर्व सरपंच लादूराम पुनिया जी से कि वो इसको किस एंगल से देखते हैं, क्या मानते हैं वो। ये आज से 10-12 दिन पहले मैं यहाँ हम बैठे थे इसके पिताजी के पास, तो वो कहने लगे अभी हमारे गाय है उसके नीचे दूध पड़ रहा है। मैं ये तो बहुत अचंभे की बात हुई भी, दूध कैसे पड़ रहा है। फिर हम कई 5-4 लोग बैठे थे, हमने देखा तो इसके नीचे दूध पड़ रहा था और इसका जो दूध होने वाला वो ऊस कहते हैं वो काफ़ी बड़ा हो रहा था और एक दूसरी गाय का बच्चा है वो इसका ये इसको दूध पिला रहे हैं इस गाय का। तो ये बात बहुत ही अचंभे की हम मान रहे हैं, तो कमाल की बात, अभी ये बात हमने कहीं देखी नहीं। अभी इस गाय के डॉक्टर कह रहा है अभी इस गाय के 1 महीने 20 दिन में इसके 8-10 लीटर दूध हो जाएगा। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, इसके बगैर 15-16 महीने की बच्ची है, इसके बगैर ब्याह बगैर 8-10 किलो दूध हो जाएगा। अभी ही इसके अगर दूध निकाले तो 1.5-2 किलो दूध। अभी ये 17 महीने की बच्ची है? हाँ, 16-17 महीने की बच्ची है। अभी इसके कम से कम 1.5 किलो दूध है अभी इसके, ये बच्चा इसका दूसरी गाय का इसके चुंगा रहे हैं, इसका दूध निकालते थे नहीं, ये बच्चा चुंगा रहे हैं इसका। तो इसलिए ये चमत्कार भी माना जा रहा है और लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसी चमत्कार को लेकर के हम डॉक्टर से भी इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। श्यामलाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्यामलाल जी, आप क्या मानते हैं इसको? चमत्कार ही मानते हैं जी। अच्छा, आप भी पशुपालन का? हाँ, पशुपालन करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि 17 महीने की एक बच्ची
इस तरह से हाँ बड़ी अचरज की बात आई है, अचरज की बात आई है। हम मानते हैं भी चमत्कार ही हुआ है ये। डॉक्टरों से आपने डॉक्टर से या किसी से पूछा है कि भी ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, डॉक्टर आया था, डॉक्टर भी बताते हैं कि ऐसा हो सकता है लेकिन बहुत कम चांस। इसके पीछे कोई एक साइंटिफिक कारण बताया उन्होंने? हाँ नहीं, कारण उन्होंने तो नहीं बताया कि ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा। पता हमें नहीं है अभी कैसे, उनको भी पता नहीं है। कुलदीप जी, आपने जब बात की डॉक्टर से तो डॉक्टर ने इसका कोई हार्मोन्स का या क्या मतलब इसका? डॉक्टर ने तो यही कहा भी इसका जो है ना हार्मोन्स वगैरह वो उसकी वजह से ही है, हार्मोन्स बदलाव की वजह से, बदलाव के वजह से है, और भौतिक या कोई रासायनिक अभिक्रियाओं का इसमें मेलजोल हो सकता है। और ऐसा नहीं है भी ये ठीक भी हो सकती है, दोबारा उसी अवस्था में आ सकती है, ब्याह भी सकती है। कहीं कोई गर्मी या जैसे अभी मौसम गर्म है उसकी वजह से या कोई डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं? ठीक है दोस्तों, आज हम बकरियावाली में कुलदीप सिंह गोदारा जी के घर में पहुंचे थे और हमने आपको ये चमत्कार से ये कम नहीं है, ये लोग ये ऐसा मानते हैं। और इस गाय को हम आपके सामने, कैमरामैन को कहूँगा आप इधर देखेंगे थोड़ा, तो ये गाय है और सिर्फ 17 महीने की गाय है, ये सभी के लिए एक चमत्कार और कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसी तरह से हम आपके पास कई सारी वीडियो इस तरह से लेकर के आते रहेंगे, बस आप हमारे यूट्यूब चैनल को और न्यूज़ को देखते रहिए। थैंक यू। ऐसा है, इसमें हार्मोन है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं जो लेट डाउन ऑफ मिल्क करते हैं। ओके। हाँ, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। तो कई बार क्या होता है कि जैसे वो व्याप्ति भी है ना, ब्याने के बाद जब दूध अपन निकालते हैं तो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है जी। तो कई बार क्या होता है, हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है या कई बार अपने आप ही वो हार्मोन अंदर बनना शुरू हो जाता है, बनते तो अंदर भी है। हाँ, कई बार वो ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो उस वजह से उसका जो है थन फूल जाते हैं, जो है उसका अडर ग्लैंड है वो बढ़ जाता है और दूध का रिसाव होने लग जाता है। तो ये सारा है तो हार्मोन का खेल ही, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन लोग इसको क्या होता है, जो थोड़े जागरूकता की कमी की वजह से कह लो या लोगों को नहीं पता होता उसकी वजह से वो चमत्कार मानने लगते हैं, तो इसलिए हमने सोचा भी आपसे बात करना बहुत जरूरी होता है इस विषय में। तो उनको जिसको जितनी नॉलेज है वो चमत्कार ही मानने का। हाँ। तो डॉक्टर साहब, ये क्या दोबारा सही भी हो सकती है, अगर जैसे दूध दे रही है और बाद में अगर इसका रिसाव बंद हो जाता है? रिसाव बंद होगा, दूध बंद हो जाएगा दूध, तो वहाँ के स्थानीय डॉक्टर का कहना है कि ये अगर इसको अच्छी खुराक दें तो इसका 10 किलो तक दूध भी बढ़ सकता है, क्या ऐसा संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है, बकरी 10 किलो दूध नहीं दे सकती। नहीं, बकरी नहीं, बच्ची बता रहा हूँ सर, गाय की बच्ची। अच्छा, गाय की बच्ची 5-6 किलो तक दे सकती है। 5-6 किलो तक दे सकती है? हाँ, 5-6 किलो तक। ऐसा है, बिना ब्याह ना यूनिवर्सिटी में हार्मोन भी होते हैं। हाँ। यूनिवर्सिटी ने ऐसे टीके तैयार कर रखे हैं जो बिना ब्याह अगर आप लगवाओगे तो वो जो है वो दूध देने का काम करेंगे। ऐसे टीके भी मिलते हैं यूनिवर्सिटी से। अच्छा। हाँ, पर वो टीके क्या है कि देखो नेचर के साथ खिलवाड़ है। हाँ जी, ये तो है। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, तो बस सारा हार्मोन के स्त्राव के कारण ही है, कोई और ऐसी बात नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, ये भैंसों में भी होता है इस तरह का या सिर्फ बच्चियों गायों में? अभी तक तो हमने ना गायों में देखा है। गायों में देखा है, जहाँ तक मैंने, बाकी क्या पता कि रिसर्च क्या कहती है, मैंने जो ज्यादातर केस देखे गायों में देखे। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा और बहुत बेहतरीन जानकारी आपने जो दी है।